ये जो ओवरब्रिज है आप लोग ये जो पेंटिंग देख रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ये पेंटिंग आप लोगों को ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो खा के गुटखा पान खा के थूक देता है। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, आप लोग भी कुछ सुंदर चीज बना नहीं सकते तो उसे नुकसान भी मत करो। तो दोस्तों मैं हूँ फिलहाल गोलाघाट में फोकाटिंग के पास। तो मैं यहाँ से कुछ काम से आया था और फोकाटिंग पे एक ओवरब्रिज है और फिलहाल मैं उसी ओवरब्रिज के ऊपर हूँ। और इस ओवरब्रिज में जो पेंटिंग करा गया है वो बहुत ही लाजवाब है। इस जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में असमिस कल्चर को भर भर के दिखाया गया है, वो सही बात है और अच्छा भी लगता है। और आप लोग भी वो नज़ारा एक बार देख लो, वो पेंटिंग आप लोग एक बार देख लो। जो लोग असम से है उन लोगों को ये नज़ारा, ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, ये लोग क्या कर रहे हैं इस तस्वीर में, उन लोगों को भली भांति पता है। ये असमिस कल्चर है और यहाँ पे जो बिहू में पिठा बना बनाते हैं उसे यहाँ पे किस तरीके से बनाते हैं वो दिखा रहा है पेंटिंग में। ये जो ओवरब्रिज है आप लोग ये जो पेंटिंग देख रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ये पेंटिंग आप लोगों को ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि लेकिन कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो खा के गुटखा पान खा के थूक देता है। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, आप लोग भी कुछ सुंदर चीज़ बना नहीं सकते तो उसे नुकसान भी मत करो। और अभी आप लोग इस ओवरब्रिज की सिनेमेटिक शूट देख लो। रास्ते में बहुत भीड़ थी तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो सॉरी आप लोगों से। और भाई मुझे आते आते लगा था प्यास, तो इसलिए मैंने गन्ने का रस पीने के लिए रुक गया। मैंने गन्ने का रस पिया और उसके बाद मानो शरीर में जान आ गई थी। गन्ने का जो सही में टेस्टी था और खाने में भी बहुत अच्छा था। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो में। बाय बाय।